दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएससीटी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, लॉजिक रीजनिंग का आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, जिसके पहले महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम ध्यान देते हैं, इसके बाद इससे संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों देखिए, ये जो लास्ट के आपको लॉजिक रीजनिंग के चैप्टर दिए जा रहे हैं, ऑलमोस्ट जगह इन चैप्टरों को नहीं पढ़ाया जाता है, तो आपको ये चीज विशेष ध्यान देना है कि हमें वे चीजें जो कभी नहीं मिली है, पहली बार मिल रही हो या पहली बार आप पढ़ रहे हो, तो उनकी बारीकियों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर हम बारीकियों के बारे में बात करें तो दोस्तों, उनको देखें और समझे चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। आइए देखते हैं, आज हमारा जो चैप्टर है कथन एवं कार्रवाइयां। आप लोग देखते होंगे ज्यादातर बुक्स में ये चैप्टर भी नहीं है, जो बैंकिंग से रिलेटेड बुक्स होंगी वहां पे आपको ये चैप्टर्स मिलेंगे, और अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझिए, हमारे द्वारा बताए गए प्रश्नों को सॉल्व करिए, और उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आएंगे पेपर में आप सॉल्व कर लेंगे, और अगर मिल जाते हैं प्रश्न तो आप उसको प्रैक्टिस कर लें, दैट इज बेटर, बहुत अच्छी बात होगी। आइए देखते हैं होता क्या। हम बात करें तो स्टेटमेंट है कोर्सेज ऑफ एक्शन। समझिएगा दोस्तों होता क्या है, साफ शब्दों में अगर हम बात करें तो कथन क्या है। यहाँ पे जैसा कि अभी पिछले चैप्टरों में हम जानते थे कथन क्या था, किसी भी विषय से संबंधित जानकारी होती थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कथन और कार्रवाइयों में क्या होगा, कथन सीधा इफेक्ट डालेगा किस पे, कार्रवाई पे, यानी कथन यहाँ एक समस्या होगा। यानी अगर हम बात करें तो कथन क्या होगा, कथन यह एक समस्या को दर्शाता है, यानी यहाँ पे जो भी कथन से रिलेटेड चीजें होंगी वो क्या होंगी, डायरेक्ट एक समस्या होगी, और कार्रवाई क्या होगी इसको समझिएगा। कार्रवाई इसमें दी गई समस्याओं को हल करने का जो सुझाव होता है, जो तर्क होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कार्रवाइयां बोलते हैं, यानी कोर्सेज ऑफ एक्शन कहते हैं। अब दोस्तों इसको और सरल भाषा में समझते हैं। देखिए, हम कह सकते हैं जब कोई घटना सामान्य जीवन को बाधित करती है तो उसे समस्या कहते हैं। अब वो समस्याएं क्या क्या होती हैं दोस्तों, वो देखिए, दुनिया में यानी जब आप व्यक्ति का जन्म होता है और जीवन के अंतिम समय यानी मृत्यु तक समस्याएं बनी रहती हैं। दुनिया का कोई भी व्यक्ति कहा जाए खुश है, डेफिनेटली खुश है, लेकिन समस्या है उसके साथ में, तो समस्या है तो सॉल्व भी करेंगे हम, कैसे आज समझेंगे इसको सॉल्व करने का तरीका। वो समस्याएं देखिए क्या होंगी, अगर हम आपसे जनरली कहें 10 समस्या बताइए तो शायद आप सोचने लगेंगे, लेकिन हम स्टैंडर्ड समस्याओं के बारे में बात करें तो फटाफट निकल के आती है। कैसे, देखिए, वो राजनीतिक संकट, आर्थिक संकट, प्राकृतिक आपदा, आतंकवाद, उग्रवाद, दुर्घटना, बेरोजगारी, अशिक्षा, सुरक्षा। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो बताइए क्या इससे कोई भी बड़ी समस्या हो सकती, इससे कोई भी बड़ी समस्या नहीं हो सकती, सभी समस्याएं इन्हीं का पार्ट है। राजनीति संकट, जैसे कुछ लोगों को गवर्नमेंट पसंद नहीं, या हम सुन लेते हैं तो कहते हैं अरे भाई अब तो हो गई गलती, गलती तो दोस्तों देखिए, गवर्नमेंट हमने चुना था, उनके द्वारा जो भी कार्रवाई की जाती है हमें मानना होता है, हम इसके बाद उसकी समस्या का निर्धारण करते हैं, यानी हम नेक्स्ट इलेक्शन में गवर्नमेंट चेंज कर सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी है। अब दोस्तों हम बात करें आर्थिक संकट, तो आर्थिक संकट भी मुद्दा आप सभी जानते हैं, जैसे कि इस समय बहुत सारे लोग का रोजगार छिन चुका है, बेरोजगार हो चुके हैं, आप सब भी देख पा रहे होंगे कंपटीशन की तैयारी ठप चल रही है, हम लोग उस प्रक्रिया में किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ कवर कर रहे हैं, लेकिन जैसे दिनचर्या सुचारू रूप से चलती थी उसमें प्रभावित है, तो जिससे कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम्स आई हैं लॉकडाउन होने की वजह से। तो दोस्तों इस तरीके से अगर हम बात करें तो आप हर एक कहीं ना कहीं राजनीतिक संकट, आर्थिक संकट, प्राकृतिक आपदा, इन सब के बारे में जानते होंगे और इनसे भली भांति आप परिचित होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें चैप्टर को आज कंप्लीट भी करना है और आपको जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां वो सारी देनी भी है। अब दोस्तों हम बात करें यहाँ पे, तो मैंने आपसे क्या कहा, तो उसे समस्या कहते हैं, यहां तक हमने चर्चा किया। अब देखिए क्या होता है, एक समस्या विशेष को हल करने अथवा स्थिति को बेहतर करने के लिए लिया गया निर्णय कार्रवाई कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पे कार्रवाई क्या है, आज हम सब रीजनिंग पढ़ते हैं या हम किसी भी चीज का नॉलेज करते हैं तो किसके लिए,
आने वाले जीवन के संकटों से, आने वाले जीवन की समस्याओं से एक विशेष मार्गदर्शन प्रशस्त करना, उसमें से यानी उसमें से एक विशेष मार्ग का चुनाव करना होगा। आप तभी कर सकते हैं जब आपको क्या होगा, हर समस्या के एक सही पहलू का समाधान आपके पास होगा। उन्हीं समस्याओं को देखते हुए आज हम लोग क्या करेंगे, उसमें सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, सॉल्व करने का तरीका सबका एक जैसा नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर पॉजिटिविटी कूट कूट के भरी होती कह सकते हैं, यानी कुछ भी हो जाए वो सकारात्मक ही सोचते हैं, हतोत्साहित नहीं होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुरंत हार मान लेते हैं, यानी कार्य करने से पहले ही नकारात्मक सोच लेते हैं। जैसे आप सब मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनमें आने वाले जो भी संकट होते हैं, यानी पेपर की दृष्टि को देखते हुए कभी पेपर आउट हो जाता है, कभी नकल हो जाती है, या आप पेपर को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, या आपको कुछ चीजें प्रॉब्लम करती हैं, मैथ्स नहीं आ रही है, या रीजनिंग नहीं आ रही है, या कुछ भी सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं आ रही, तो कुछ लोग क्या होते हैं, उससे भागने लगते हैं। तो दोस्तों, भागना सही सलूशन नहीं है, वो सही कार्रवाई नहीं है। अब हम देखते हैं कार्रवाइयों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमें ध्यान देना होगा, जो आपके उत्तर में सहायक होंगी सार्थक आंसरों तक पहुंचने में। तो देखिए दोस्तों, वो क्या क्या हो सकती है, हमें ध्यान रखने योग्य बिंदु क्या क्या है। कार्रवाई में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, समस्या को, कार्रवाई क्या होती है, समस्या को हल अथवा कम करती है। ध्यान दीजिएगा, कार्रवाई वही है जो समस्या को हल अथवा कम करे। आप समस्या को समस्या बढ़ा रहे हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कभी आप गलती से किसी चीज को छिपाने के लिए झूठ बोल देते हैं, समझिएगा एक छोटा सा एग्जांपल, और उस झूठ को छिपाने के लिए झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप समस्या को, अभी सरल थी, आप उसको जटिल बना रहे हैं, यानी मिश्रित बना रहे हैं। आपने झूठ बोला है, आज नहीं तो कल उस पर एक्शन लिया जाएगा, और एक्शन लिया जाएगा तो चीजें क्लियर होंगी। लेकिन तब हो सकता है कि जो चीज आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते थे उसको आपने बहुत बड़ा कर दिया। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कार्रवाई का, हम क्या करेंगे, समस्या को हल अथवा उसको कम करने का प्रयास करेंगे। यानी हम सिंपल भाषा में बात करें तो हम उसको जटिल नहीं बनाएंगे, निगेटिव नहीं सोचेंगे, उसमें पॉजिटिव रास्ते को ढूंढेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, कार्रवाई सीधा संबंध कथन से होना चाहिए। कार्रवाई का संबंध क्या होना चाहिए, सीधा कथन से। यानी दोस्तों बात करें तो कथन क्या, एक समस्या है, और कार्रवाई क्या है, उसको हल करने का दिया गया एक सुझाव है, यानी लिया गया सुझाव। समझिएगा दोनों चीजों में, कथन क्या है, यह समस्या को दर्शाता है, और कार्रवाई क्या है, इसमें दी गई समस्या को हल करने के लिए सुझाव दिया जाता है। अब आपको शुद्ध भाषा में हम बात करें, यानी सरल शब्दों में बात करें, तो लपेटना नहीं। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत लपेट चुके हो, अब मत लपेटो, ऐसा नहीं करना। आपको सीधे बोलना है कि ये चीज है और इसमें ऐसा होना चाहिए, मानना ना मानना सामने वाले की बात है। हम इसी पे काम करेंगे, तभी हमारा क्या निकलेगा, कोर्सेज ऑफ एक्शन की सही पुष्टि हो पाएगी। अब आइए दोस्तों, इसके बाद क्या, कार्रवाई प्रयोगात्मक होनी चाहिए। यानी अगर हम किसी के बारे में कोई कार्रवाई कर रहे हैं, निर्णय दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं ख्वाबों के सपने में सो रहे हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं, उनसे अगर मैं बोलूं, डियर पढ़ना शुरू करो यार, तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं, बोले अरे सर पेपर आने दीजिए, फाड़ दूंगा, चीर दूंगा, मेरा ही सिलेक्शन है, व्हाटएवर, ऐसा। देखिए होता क्या है कि आने दीजिए तब हम करेंगे, या समय नहीं है, या हम परेशान हैं, ये कोई कार्रवाई नहीं होती। समस्याएं हैं तो उससे निकलने का रास्ता बनाइए, आप अथक प्रयास करिए। डेफिनेटली मैं उम्मीद करता हूं, क्या बल्कि मेरी पूरी टीम उम्मीद करेगी कि आप सफल होंगे, और सफलता निश्चित होगी जब आप अनवरत प्रयास करेंगे। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, क्या कार्रवाई में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, नकारात्मक नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी कार्रवाई में आपको सलूशन ढूंढना है, सॉल्व करना है, तो नकारात्मक थॉट नहीं आएगी। अब हम यहाँ पे YouTube मेहनत करें और हम ये सोचें कि प्रत्येक स्टूडेंट मेरा नहीं देख रहा होगा, मैं ना बनाऊ, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी टीम का प्रयास है कि जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस समय पढ़ रहे हैं वो इससे लाभान्वित हों, यानी उनको लाभ मिले। आप आज पढ़ रहे हो, कल वो पढ़ेंगे डेफिनेटली, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं अपना आज का जो समय मिला हुआ है वो गंवा रहे हैं। क्योंकि आज तो हम सभी फ्री हैं,
कल हमारी सब चीजें नॉर्मल तरीके से रन करना शुरू होंगी, बल्कि हो रही हैं, तो हो सकता है हमको इतना टाइम ना मिले जितना आज मिल पा रहा है। तो यानी क्या होना चाहिए, हमारी कार्रवाई नकारात्मक नहीं होनी चाहिए, यानी सकारात्मक हो। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, कार्रवाई हम कब कर सकते हैं, जब हम स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे, साधारण रूप से सोचेंगे और सरल तरीके सोचेंगे, तभी हम क्या कर पाएंगे, उचित कार्रवाई कर पाएंगे। अगर हम उसको जटिल बनाएंगे, मिश्रित करेंगे, बार बार उसमें जुड़ेंगे, ऐसा नहीं ये होना चाहिए, ये नहीं ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, तो दोस्तों इसमें आप सकारात्मक आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट मिला। अब इससे रिलेटेड देखिए, फिर से वही कंडीशन होती है उत्तर देने की प्रक्रिया, आपके फर्स्ट सेकंड के रूप में आंसर दिए होते हैं तो आंसर ए बी सी डी ई के रूप में होते हैं, केवल पहला केवल दूसरा, दोनों सही हैं दोनों गलत हैं, या कंडीशन लगती है या तो पहली कार्रवाई सही है या तो फिर दूसरी कार्रवाई सही है। अब हम कुछ प्रश्नों को लेते हैं और उन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, देखते हैं प्रश्न में क्या कहा गया है, फिर इसके बाद हम अपने महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे और फिर हम इसमें कार्रवाई करेंगे। दोस्तों प्रश्न में क्या कहा गया आपसे, कथन में है, यानी आपकी समस्या जो दी गई है वो ये है, भारतीय विश्वविद्यालयों से बड़ी संख्या में निकलने वाले ग्रेजुएट रोजगार योग्य नहीं है। दोस्तों समस्या तो बहुत सही है और इस समय की समाज की सबसे बड़ी मांग भी यही है, क्यों? आप एक बार एनालिसिस करें, सोचें, तो सबसे पहले आंसर आपको नजर आ रहा होगा, साइंस साइड स्टूडेंट्स हो, कॉमर्स स्टूडेंट हो, आर्ट्स स्टूडेंट्स हो, हम सभी को ढकेल देते हैं कैसे, एक साथ जाओ बेटा कंपटीशन करो। साइंस वाला भी आके गणित पढ़ रहा है, रीजनिंग पढ़ रहा है, हिंदी जीएस पढ़ रहा है, व्हाट एवर कंपटीशन का सब्जेक्ट, आर्ट्स वाला भी कॉमर्स वाला भी, तो दोस्तों ग्रेजुएशन में फायदा क्या हुआ साइंस आर्ट्स या कॉमर्स पढ़ने का? तो ये समस्या तो बनेगी बनेगी, डेफिनेटली प्रश्न बहुत ही उत्तम है। अब हम इस पे कार्रवाई भी उत्तम ही करेंगे, आइए देखते हैं क्या ध्यान हमें क्या रखना होगा। कार्रवाई करते समय सरल को सरल बना के रखना है, नकारात्मक नहीं बनाना है, कार्रवाई का प्रभाव सीधे कथन से होना चाहिए। इस तरीके के मूल बिंदु मैंने आपको बताए थे जो ध्यान होंगे आपको, नए भी ध्यान है तो वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट्स को आप 2 से 3 बार जरूर सुने। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, पहली कार्रवाई में क्या कहा गया, कहा गया पाठ्यक्रम की विषय वस्तु तय करने के लिए उच्च शिक्षा के कॉलेजों और संस्थानों को अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही, अगर जो बच्चा जिस योग्य है हम उसको उसी के तरीके की विषय वस्तु कंटेंट दें, उसी तरीके से उसको मेहनत कराएं, तो हो सकता है क्या, बिल्कुल डेफिनेटली ये होगा कि जब वो ग्रेजुएट होके निकलेगा तो उसके अंदर जो स्किल थी वो डेवलप हो चुकी होगी और वो कहीं ना कहीं बेरोजगार नहीं होगा, वो अपने रोजगार के अवसर ढूंढने में बहुत ही उत्तम डिसीजन ले सकता है, यानी श्रेष्ठ डिसीजन कर सकता है। तो दोस्तों पहला वाला बिल्कुल आपका ये सत्य होगा, यानी पहली कार्रवाई आपकी सकारात्मक होगी। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या कहा गया, विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दोस्तों देखिए, क्या ऐसा करने से हम गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं? जी नहीं, बल्कि ये क्या होगा, हम सीधे सीधे क्या है, विदेशी विश्वविद्यालयों को अपने यहाँ निमंत्रण दे रहे हैं, यानी हम उनको क्या कर रहे हैं, विस्तार करने का उनको अवसर दे रहे हैं। आज अगर वो अपने यहाँ विस्तार करेंगे आके, तो डेफिनेटली वो हमसे अपने लोगों से ज्यादा लागत लेंगे, यानी इस तरीके से हम ये नहीं कह सकते हैं कि विदेशी जो विश्वविद्यालय आएंगे वो हमारे लिए लाभकारी होंगे। ये प्रकार की नकारात्मक हमारी सोच हो गई कि हम इस समस्या को फिर से नकारात्मक में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, यानी यहाँ पे हम समस्या को सॉल्व कर सकते थे लेकिन हमने यहाँ पे विदेशी लोगों को बुलाकर, यानी विदेशी विश्वविद्यालयों की स्थापना करवा के परिसर पे क्या कर दिया, उसको और ही जटिल बना दिया। तो दोस्तों ये वाली कार्रवाई आपकी क्या होगी, अमान्य होगी, यानी इसमें सीधे सीधे कथन का प्रभाव समस्या है, तो कार्रवाई का क्या होना चाहिए, उसका
समस्या को कम करना है या समस्या को हल करना है, ना कि समस्या को बढ़ाना है। जबकि सेकंड वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, समस्या को बढ़ा रहा है। जबकि फर्स्ट वाला क्या, अगर हम ये सोल्यूशन बना देते हैं इसका, तो ये समस्या को कम कर देगा। यानी जो बच्चा जिस स्किल का है उसको उस तरीके का रोजगार दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम सभी। देखिए यहाँ पे एक से एक इंटरेस्टिंग प्रश्न मिलेंगे। उसका रीजन ये होता है कि समस्या है, और समस्या दोस्तों मजेदार तो होती है, नहीं तो फिर समस्या किस बात की। आइए देखते हैं क्या कहा गया है कथन में। यानी स्टेटमेंट हमारा कहता है, सीबीआई ने किसी राज्य के मुख्यमंत्री के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करने का फैसला किया है। भाई डेफिनेटली यदि कोई भी मुख्यमंत्री अपने कार्य क्षेत्र के बाहर कार्य करने का प्रयास करेगा या अपने पद का दुरुपयोग करेगा, तो उसके कहीं ना कहीं कार्यों को देखने के लिए या उस पर कार्रवाई करने के लिए सीबीआई कार्य करेगी भाई डेफिनेटली। तो अब देखते हैं इसमें क्या हो सकता है कार्रवाइयों में। कार्रवाई में पहला पॉइंट हमसे ये कहा गया, सीबीआई को अपनी मर्जी से आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर देना चाहिए। दोस्तों ये बिल्कुल गलत होगा। मर्जी कैसे चलेगी? सीबीआई किसी के अंडरटेकिंग होता है, तो जब वो किसी के अंडर में होता है तो डेफिनेटली वो अपनी कार्रवाई अपने से ऊपर अधिकारी को सौंपेगा। यानी हम सिंपल भाषा में दोस्तों बात करें तो अगर मुख्यमंत्री के बारे में बात की गई है, तो मुख्यमंत्री से संबंधित कोई भी कार्रवाई करना होगा तो उस राज्य के राज्यपाल से बात करना होगा, क्योंकि राज्यपाल ही मुख्यमंत्रियों को क्या करता है, शपथ दिलाता है, नियुक्ति दिलाता है। और अगर वो अपने कार्य क्षेत्र के बाहर कार्य करने का प्रयास करता है और इस तरीके की कोई जानकारी मिलती है, तो सबसे पहले राज्यपाल को बताना जरूरी होगा। फिर उसके बाद वो क्या है, कार्रवाई के लिए खुद ही आश्वासन देगा कि क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला आपका जो कार्रवाई होगी, कोर्स ऑफ एक्शन होगा, वो रॉन्ग होगा। अब दूसरा देखिए क्या कहा गया, आरोप पत्र दाखिल करने से पहले सीबीआई को राज्यपाल से अनुमति ले लेनी चाहिए। दैट इज बेटर। देखिए जो चीज हम चर्चा कर रहे थे वही चीज बिल्कुल सेकंड वाले में आपका क्या हुआ, दिया हुआ है। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, केवल दूसरा आपकी कार्रवाई सत्य होगी। यानी आप केवल बी ऑप्शन पे या जिस पे भी दिया हो, केवल दूसरा कार्रवाई सत्य, इसको टिक करेंगे। प्रश्न में कहा गया है आपका कथन है, रेलवे विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही से आए दिन रेलवे दुर्घटना हो रही है। दोस्तों बहुत बड़ी समस्या। दुर्घटना में क्या होता है, नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं होता है। रेलवे दुर्घटना में लोगों की जान जाती है, या रेलवे दुर्घटना से ट्रेन की क्षति होती है, रेल की क्षति होती है, वस्तु का नष्ट होता है, तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही बर्दाश्त करने लायक नहीं है, तो कार्रवाई होनी चाहिए। आइए दोस्तों देखते हैं वो कार्रवाइयां क्या है। पहली कार्रवाई क्या है आपकी, सरकार को लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। बिल्कुल सही। देखिए अगर लोगों में डर नहीं होगा, लोगों के अंदर किसी कार्य को लेकर अगर वो जिम्मेदार नहीं होंगे, तो उसमें क्षति होगी, नुकसान होगा, दुर्घटनाएं होंगी, ये बहुत बड़ी समस्या होगी। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि रेलवे की बात है, और आप सभी को पता है कि रेलवे प्रशासन या शासन जो भी है वो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, और इस बड़े से बड़े नेटवर्क को चलाने के लिए या कंप्लीट करने के लिए किसी भी तरीके की लापरवाही अगर होती है तो बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। तो यहाँ पे पहली कार्रवाई इतने से ही आप देख पा रहे होंगे कि ये सार्थक हो गई। अब आगे देखते हैं और भी क्या हो सकता है। साथ ही साथ नौकरी से निष्कासित कर देना चाहिए, ये भी बात सत्य है। हो सकता है आप उनको सजा दे दें तो आदी हो जाएंगे, चलो भाई अभी सजा दिया फिर छूट गए फिर करेंगे, तो इस तरीके से गलती पे गलती होती रहेगी। अगर उनको उस विभाग से निकाल दिया जाए, निष्कासित कर दिया जाए, तो डेफिनेटली वो तो गलती करने लायक नहीं बचेंगे, और उनके साथ में काम करने वाले लोग भी ऐसी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि उनको इस बात का डर रहेगा कि अगर इतनी कड़ी कार्रवाई की गई तो हम अगर दोषी हुए तो हम पे भी कार्रवाई होगी। तो दोस्तों ये तो कार्रवाई बिल्कुल क्या होगी, सार्थक होगी, यानी सत्य होगी।
अब दूसरा पहलू भी देखते हैं इसका क्या हो सकता है। सरकार को रेलवे विभाग को पूर्णतया कंप्यूटरीकृत कर देना चाहिए। देखिए कंप्यूटरीकृत से मतलब नहीं है, कंप्यूटर की भी ऑपरेट करने वाला कौन होगा? कर्मचारी होंगे। कंप्यूटर एक क्या मशीन है, स्वचालित तो है नहीं, उसको भी ऑपरेट करना पड़ेगा, उसको जो कमांड दी जाएगी वो गलती नहीं करेगा। लेकिन अगर कमांड देने वाला ही गलती करेगा, कर्मचारी ही करेगा, तो उस कंप्यूटर का भाई क्या दोष है? समझ पा रहे? तो इसलिए ये वाला जो आपका दिया गया है, सरकार को रेलवे विभाग को पूर्णतया कंप्यूटरीकृत कर देना चाहिए, ये चीज गलत हो गया। तो ये आपका गलत होगा, पहला वाला क्या होगा आपका सार्थक होगा। कंप्यूटर को भी ऑपरेट करने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, इसलिए इसमें केवल पहली कार्रवाई आपकी सत्य होगी। अन्य प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। रिसेंटली मुद्दे से एक प्रश्न हम लोग देखते हैं। आप सभी को पता है इस समय कोरोना की महामारी पूरे जगह फैल रही है और उसका मात्र एक हमारे प्रधानमंत्री से लेकर सभी पदाधिकारी कह रहे हैं या हमारे सलाहकार कह रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करिए और अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाइए और मास्क लगाइए। तो हम समझ पा रहे हैं कि दिया गया प्रश्न में भी कुछ ऐसे ही होगा। देखते हैं कथन क्या है, यानी समस्या क्या। कहा गया कथन में, शहर में कोरोना का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। दोस्तों अभी तो सब जगह हो गया, फिलहाल शहर की बात है, तो आपने देखा था पहले शहरों से शुरू हुआ था, अब धीरे धीरे गांव की भी तरफ जा रहा है, बल्कि पूरे विश्व में है। तो हम एक नॉर्मल क्वेश्चन पे समस्या पे चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पे कार्रवाइयों के रूप में क्या कहा गया। पहला, शहर में अविलंब सैनिटाइजेशन पर जोर देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, आप सबको पता है कि अगर हम कोरोना को रोकना चाहते हैं तो उससे संबंधित जो भी लाभकारी या रोकथाम के लिए उपाय हैं उनको ध्यान देना चाहिए। उन्हीं उपायों में से आप सबने सुना रिसेंटली बहुत सारे लोगों ने, लॉकडाउन शब्द है, सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजेशन है और बहुत सारे व्हाटएवर नए नए शब्द आप लोगों ने सुना। तो उन सारे शब्दों का कैसे उत्पत्ति हुई या उन शब्दों का प्रयोग कैसे हुआ? एक महामारी यानी कोरोना से। तो दोस्तों उसी से रिलेटेड आपका सैनिटाइजेशन है, तो जिससे क्या हो सकता है, हम इसको रोक सकते हैं, रोकने में सहायक है। तो ये वाला आपकी कार्रवाई क्या होगी, एक्शन सही होगा। दूसरा देखते हैं क्या कहा गया, शहर वासियों को मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह देनी चाहिए। सही बात है, अब हम कार्रवाई दोस्तों कर पा रहे हैं तो हम सलाह ही दे सकते हैं या हम आपको उससे बचने के उपाय को बता सकते हैं, परामर्श कर सकते हैं। करना तो आप सभी को होगा, मानना तो उन लोगों को होगा जहां पे ये बीमारी का प्रकोप है। तो ये भी दोस्तों क्या होगा आपका सत्य होगा, यानी इसमें ये भी दोनों ही कार्रवाइयां आपकी क्या होंगी सत्य होंगी। और देखते हैं प्रश्न को दोस्तों। आज की सीरीज में यानी इस चैप्टर का हम लोग आज अंतिम प्रश्न पर डिस्कशन करते हैं। अभी तो आप लोगों ने देखा था जितने भी हमने प्रश्न उठाए थे उनमें आपकी दो कार्रवाइयां दी हुई थी, उनमें से या तो पहला या तो दूसरा या तो दोनों सही या तो दोनों गलत या पहला दूसरा जो भी निकल रहा था आंसर देखते हैं। कुछ प्रश्न का दूसरा तरीका ये होता है कि उसमें कार्रवाइयां एक से अधिक होती हैं, यानी दो तीन हो सकती हैं, चार हो सकती हैं। उन कार्यों में विकल्प आपका दिया होगा कि उसमें पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही हो, कि सभी सही हैं, या फिर आपका कुछ ना कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाता रहे, तो आप उस आंसर को भी वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे अभी तक हमने प्रश्नों को सॉल्व किया। तो उस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए मैंने एक प्रश्न उस तरीके से रख रखा है एग्जाम्पल के तौर पर। कथन में क्या कहा गया आपका, यानी हमारे पास समस्या कथन के रूप में क्या है, हर वर्ष मानसून के दौरान शहर की अधिकांश सड़कों की हालत खराब हो जाती है जिससे यात्रियों को भारी समस्या होती है। बिल्कुल सही बात है, आप सब देखते होंगे बारिश के दौर पर सड़कों के वे हाल हो जाते हैं कि हम संसाधन से निकलते हैं गड्ढे में घुस जाते हैं, पता ही नहीं चलता पानी भरा है, या फिर हम साइड से चल रहे थे गड्ढा था उसमें पानी भरा था, बड़ा वाहन निकला वो झटके से निकला और सीधे आपको पानी। तो ये सब समस्याएं क्यों, इसका मतलब क्या है कि जो लोग सड़क बनाने का ठेका लेते हैं या जो अधिकारी होते हैं
वो उचित कार्रवाई नहीं करते हैं जिनको ठेका दिया जाता है, या जो ठेके पे कार्य कर रहे होते हैं उससे संबंधित चीजें क्या होती हैं, सही सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रही होती हैं। तो अब उनसे रिलेटेड हमारे पास क्या क्या एक्शन हो सकते हैं, क्या क्या कार्रवाई हो सकती है, इनको देखते हैं। दोस्तों पहली कार्रवाई पे कहा गया, नगर निकाय को भविष्य में सड़कों की मरम्मत के ठेके देते समय भारी जुर्माने की शर्त रखनी चाहिए। बिल्कुल सही, अगर किसी को कोई कार्य दिया गया है तो अगर वो खराब होता है तो उसमें पेनाल्टी लगनी चाहिए, यानी जुर्माना लगना चाहिए। तब वो क्या करेगा, कार्य को अच्छे से कराएगा और उसको जो भी लागत चाहिए या जो भी बचत चाहिए वो अपने से जो भी दे रहा है व्यक्ति कार्य करने का अधिकारी, उसको कार्य उसको सही चीजों से अवगत कराए और उस कार्य को भली भूति कराए, तभी वो सही होगा। अगर उसके अंदर डर और जुर्माने का नहीं रहेगा तो क्या करेगा, 10 रुपए लागत अगर उसको मिलती है तो 2 रुपए में कंप्लीट करा देगा, 8 रुपए कमीशन निकाल लेगा। तो ऐसी कंडीशन में वो वस्तु क्या होगी, डेफिनेटली जल्द खराब हो जाएगी। तो ये पहला वाला तो दोस्तों बिल्कुल सही है, यानी ये आपका सत्य होगा। अब दूसरी देखिए कार्रवाई क्या है, शहर की सड़कों के रख रखाव के प्रभारी नगर निकाय अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही। अब यहाँ पे देखिए ठेकेदार को अगर ठेका किसने दिया होगा, प्रभारी नगर निकाय ने, अधिकारी ने, और अधिकारी जब सख्त रहेगा तभी ठेकेदार कार्य सही करेगा, और जब अधिकारी सख्त नहीं रहेगा वही कमीशन बेस्ड कार्य करेगा तो ठेकेदार तो गलत कार्य करेगा ही करेगा। आज की हमारी सड़कों के आलम यही है, एक बारिश के बाद आप देखते होंगे क्या हालत हो जाती है। तो दोस्तों ये भी सत्य। अब तीसरी कार्रवाई देखते हैं, मानसून के दौरान आम जनता को अपने वाहन सड़क पर ले जाने से बचना चाहिए, ये कौन सी बात है, कार्य लोग सही ना करें और बचाव हम करें, व्यक्ति संसाधन क्यों रखता है, बुरे वक्त पे काम आए, बारिश के दिनों में हम संसाधन को नहीं निकालेंगे तो हम भीगेंगे या क्षति होगी, हम जो कार्य करना चाहते हैं नहीं कर पाएंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा भाई। हम आम जनता क्या है, रोड टैक्स देती है, टोल टैक्स देती है, सर्विस टैक्स देती है, बहुत सारे टैक्सेस देती है, किस लिए, सुविधाओं के लिए, और जब हम सुविधाओं के लिए टैक्सेस देते हैं तो हमें अच्छा कार्य चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों इसमें क्या होगा, पहला और दूसरा सही होगा, तीसरा गलत होगा। तो वहां पे दिए गए विकल्प में जहां पे पहला और दूसरा निष्कर्ष सही होगा वही आंसर आप कार्रवाई में टिक करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, और मैं बार बार कहता हूं आप सबसे दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इन चैप्टरों में प्रैक्टिस करना है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों का कलेक्शन करना है, और निजी जीवन से संबंधित, सामाजिक जीवन से संबंधित, हमारे आसपास पर्यावरण से संबंधित जानकारियों को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं उन्हीं से बनते हैं, और अगर उनके बारे में आपको सही से चीजें क्या है जानकारी है या आप उनसे अवगत हैं तो आप सही कार्रवाई कर पाएंगे, यानी सही तत्व को पहचान पाएंगे। धन्यवाद।